नमस्कार, हजारे डांस में आप सभी का स्वागत है। YouTube पर जाकर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। आइए डालते हैं आज की क्या है। अल्बर्ट के सनराइज विद्यापीठ में मौजूद हैं और इस विद्यालय की बात करें तो नर्सरी से लेकर नाइन्थ तक सीबीएसई पैटर्न पर बना हुआ है और यह स्कूल वाकई में काफ़ी अत्याधुनिक है और यहां पर जो सुविधाएं हैं वो तालबेहट के हिसाब से काफ़ी बेहतर है और यहां जितने से तालबेहट में शिक्षा का जो स्तर है उसको बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है और बेहतर से बेहतर। और हमारे बीच मौजूद हैं प्रिंसिपल डॉक्टर मानविन जी, जो कि DPS में भी बतौर प्रिंसिपल काम कर चुके हैं। उनके पास लंबा अनुभव है और वह तालबेहट में भी वो DPS का पैटर्न, वो महानगरों का पैटर्न यहाँ पर बच्चों को वो माहौल देने की कोशिश कर रहे हैं और हम सीधे सीधे खुद मिलवाते हैं आपको। डॉक्टर मानविन जी, आपका हजारी टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी मैं हार्दिक जी से स्वागत करता हूँ। मैं डॉक्टर मानविंद्र, एक्स प्रिंसिपल दिल्ली पब्लिक स्कूल और पोदार इंटरनेशनल ग्रुप से जुड़ा हुआ था। मैं तालबेहट आया, यहाँ के बच्चों को कहीं ना कहीं एक सपना था कि एक अच्छी शिक्षा प्रदान की जाए और इसी के अंतर्गत हमने कक्षा नर्सरी से लेकर कक्षा 5 तक जो कोर्स उपलब्ध कराया है वो यहाँ के 10 जिलों में वो कोर्स उपलब्ध नहीं है, क्योंकि एक नॉर्मल पढ़ाई में केवल पढ़ाई की जाती है, उसमें ये नहीं बताया जाता कि बच्चे को सीखना क्या है। और हम नर्सरी से ही बच्चे को ये लेके चल रहे हैं कि बच्चे को सीखना क्या है और आगे करना क्या है। कक्षा 6 से 9 के बीच में उनकी कार्यकुशलता के आधार पर हमने ये डिसाइड किया है कि हम बच्चों को उनके कार्य क्षेत्र में कैसे उन्नति करनी है, भविष्य में जाकर उस पर कार्य करें। और यही कारण है कि इस स्कूल को अभी हमने कक्षा 9 तक चालू किया है और फिर क्रमबद्ध कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 तक ले जाने का भी हमारा प्लान है, जो कि हम 2 वर्ष के अंदर पूरा कर लेंगे। अभी आपने DPS में काम किया है, अब तालबेहट स्तर पर काम कर रहे हैं। एक DPS एक वाकई में एक ब्रांडेड है और उसका अगर बात करें तो वाकई भारत के अच्छे स्कूलों का नाम शुमार है। यहाँ पर कुछ संसाधन क्यों की दिक्कत तो नहीं आ रही? सर, संसाधन अगर लिमिटेड भी हो तो उनका उपयोग करना आना चाहिए और मैं मानता हूँ कि तालबेहट क्षेत्र के अंदर जो भी संसाधन है वो हमारे बच्चों की प्रगति के लिए काफ़ी सफिशिएंट है और अगर उनको हम सही तरीके से इस्तेमाल करें, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में संसाधन मुख्य रूप से बच्चे का दिमाग होता है और अगर दिमाग के ऊपर कार्य किया जाए तो वो हम सारी चीज़ प्राप्त कर लेंगे, जो चाहे DPS का बच्चा हो या पोदार इंटरनेशनल का बच्चा हो या पूना का हो या US का हो या वो तालबेहट का हो, क्योंकि ईश्वर ने दिमाग हम सबको बराबर का दिया हुआ है। कहते हैं कि जो नींव अच्छी होती है, तो आप बच्चों की जो नींव है वो किस तरह से बेहतर करेंगे कि वो वाकई में DPS के मुकाबले वो बच्चे बेहतर हो? सर, हमारा प्रयास रहेगा कि क्यों DPS, हम सनराइज को भी एक ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी के अंतर्गत मैंने आपको पूर्व में कहा है कि जो हमने बच्चों को कोर्स उपलब्ध कराया है वो अपने आप में यूनिक है, यहाँ के 10 जिलों में वो कोर्स उपलब्ध नहीं है। उसका कारण भी ये है कि हमने उसको साइंटिफिक तरीके से लागू करने के लिए हार्डली इंडिया के 6 लाख स्कूल में से 5,000 स्कूल के अंदर वो कोर्स लगाया गया है, जहाँ पर ये देखा गया है कि बच्चों का मानसिक विकास की दर अन्य स्कूल की तुलना में 100% पूर्ण है और वही कोर्स हम लेके चल रहे हैं। हमारे शिक्षकों को भी वही ट्रेनिंग दी जा रही है, जो बच्चे अपनी लर्निंग करना चाहते हैं उनके लिए ये पद्धति वन ऑफ द बेस्ट है और इस पद्धति का नाम है थिंक रूम। यहाँ पर बच्चे के ब्रेन को एक थिंक रूम माना जाता है, जहाँ पर बच्चा अपनी थिंकिंग को डेवलप करता है और इस तरीके से वो अपनी नींव को पक्का करते हुए धीमे धीमे क्रमबद्ध तरीके से नर्सरी, LKG, UKG और कक्षा 5 तक उस नींव को पूरा कर लेता है जो उसको प्रारंभिक तौर पर जरूरत होती है, क्योंकि कहा गया है अगर नींव मजबूत हो तो फिर मकान भी बहुत मजबूत होता है। और इसी आधार पर मैं लेके चल रहा हूँ कि हमारे बच्चे आज नहीं तो कल, ये निश्चित तौर पर मैं कह के चल रहा हूँ कि चाहे वो शिक्षा जगत का कोई भी क्षेत्र हो या अगर हम शासकीय सेवा की बात करें जो सिविल सर्विसेज कहलाती है, उसमें हमारे सनराइज के बच्चे 100% पहुंचेंगे, ये मैं तालबेहट की जनता से वादा करके चल रहा हूं। उनमें वो जज्बा भर देंगे शुरू से कि वो
यस सर, चूंकि सीबीएसई के द्वारा मैं काउंसलर भी हूं और ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि केवल बच्चों को पढ़ाना नहीं है, बच्चों को सिखाना भी है, उनके लक्ष्य निर्धारित करने में भी मुझे उनके साथ देना है और मुझे उनको मोटिवेट करते हुए वहां तक लेके जाना है जहां वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। और निश्चित तौर पर प्रतिभा की कमी हमारे तालबेट में भी नहीं है, हर क्षेत्र के अंदर हमारा तालबेट आगे जाना चाहता है। आज अगर हम एक छोटी सी घटना को लेकर चलते हैं कि आज दिल्ली के जो हमारे गवर्नर जनरल हैं वो भी हमारे ताल बैठ के में पढ़े हुए हैं, तो ये निश्चित तौर पे ये निश्चित करता है कि हमारे यहाँ के बच्चे काफ़ी हद तक आगे जा सकते हैं। और यही सपना लेकर मैं आया हूँ और इसी सपने को मैं पूरा करके दिखाऊंगा। आपने समर कैंप लगाया, इसका उद्देश्य क्या था? सर, बच्चों में स्किल्स होती हैं लेकिन उनको डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया जाता। आपने देखा होगा कि बचपन से चाहे बच्चा दिन में कितने बजे भी उठे लेकिन शाम को उसको एक ही चीज़ चाहिए कि मुझे खेलने जाना है। और यहाँ पर अधिकतर स्कूल इस चीज़ पे ध्यान देकर नहीं चलते, जबकि सीबीएसई ने 2017 में ये सुनिश्चित कर दिया था कि खेल कूद एक विषय के तौर पर पढ़ाया जाए या बच्चों को सिखाया जाए। तो हमने पढ़ाने के बजाय सिखाने पर ध्यान दिया और जो इनकी स्किल्स थी जो अभी तक यहाँ पर किसी भी स्कूल लेके नहीं चले हैं और यहाँ के आसपास के स्कूल लेके नहीं चले हैं, जैसे मैं कुछ आपको साइंटिफिक तरीके की बता रहा हूँ, अभी तक यहाँ पर रोबोटिक नहीं आया है, हमारा स्कूल उसको प्रोवाइड कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस पे पूरा वर्ल्ड काम कर रहा है, तालबेट में मात्र एक स्कूल है जो उसके ऊपर कार्य कर रहा है। कोडिंग बच्चों को शुरू से ही सिखाई जा रही है, बच्चों को कंप्यूटर लर्निंग भी दी जा रही है। इसके अलावा कुछ ऐसे गेम्स हैं जो अभी तक तालबेट में नहीं थे, जैसे आर्चरीज, राइफलिंग, और भविष्य में भी हम इस तरह के गेम्स लेके आएंगे जो बच्चों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए आप आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। और उन्हीं स्किल्स को डेवलप करने के लिए हमने ये समर कैंप का आयोजन किया है। उन माता पिताओं के लिए क्या आप संदेश देंगे जो अपने बच्चों को बेहतर बनाने के लिए लगातार मतलब सोच रखे हैं और वो किस तरह से अपने बच्चों को बेहतर बनाएं? सर, मेरा इस मामले में बहुत छोटा सा मानना है कि पेरेंट्स, मैंने देखा जब मैं तालबेट में आया तो पेरेंट्स बच्चे को पढ़ाना तो चाहते हैं लेकिन उनकी भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं और शायद उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण मैंने देखा वो शिक्षा का अभाव रहा। तो वो शिक्षा को उस क्षेत्र में नहीं समझ पा रहे जिस क्षेत्र में आज बच्चे निकल गए हैं। आज हमारे छोटे छोटे क्षेत्रों के बच्चे पूना में, बेंगलोर में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में, कनाडा में जाकर नाम रोशन कर रहे हैं। अगर यह हमारे यहाँ के तालबेट के बच्चे भी पढ़कर वहाँ तक पहुँचते हैं तो उन सारे पेरेंट्स के सपने पूरे होंगे जो वो कहीं ना कहीं सुनते तो थे कि उनका बच्चा वहाँ पर है या हमारे घर के फलाने का बच्चा उस जगह पर है, लेकिन आज ये बच्चे ताल बैठ कर भी वहाँ पहुँचेंगे अगर आप थोड़ा हमारे साथ चलकर उन बच्चों के उन स्किल्स पे कार्य करें जिसके लिए वो डिजर्व करते हैं। आपके भविष्य, आपका ड्रीम क्या है, इस स्कूल को कहाँ तक ले जाने का है? सर, हमारा है कि हम इसको पहले कक्षा 12 तक लेके जाएं, उसके बाद हमारा कॉलेज का भी प्लान है, इसी नाम से हम कॉलेज को खोलेंगे और बच्चों को साइंस से रिलेटेड जो कि विज्ञान आज के जीवन में एक महत्वपूर्ण विषय है और वो हमारे देश को ही नहीं पूरे विश्व को कहीं का कहीं लेके जा रहा है। कभी हम सोच नहीं सकते थे जिस चांद की हम पूजा करते थे आज उस पर मनुष्य कदम रख चुका है, जिस सूर्य की गर्मी से हमें तपन महसूस होती है आज उसके लिए भी हमने कहीं ना कहीं विज्ञान की मदद से ऐसे जहाज़ तैयार कर लिए हैं कि हम वहाँ पर जा सकते हैं। हमारे खुद भारत का अपना एक जो है यान मंगल ग्रह की तरफ पहुँचने ही वाला है, तो जब इतनी प्रगति पर चल रहे हैं तो बच्चों को विज्ञान की सहायता से उनकी स्किल्स को डेवलप करके उनको उनके लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम पूर्ण रूप से, पूर्ण हृदय से और पूर्ण मन से उनके लिए कार्य करेंगे। चलिए, धन्यवाद। ये थे सनराइज विद्यापीठ के प्रिंसिपल डॉक्टर मानवेंद्र जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि तालबेट में जो वो शिक्षा उपलब्ध कराएंगे जो महानगरों में शिक्षा मिलती है और बच्चों के बेहतर भविष्य तक, बच्चों को बड़े बड़े शासकीय पदों तक पहुंचाने में जिस तरह से उनमें जो मोटिवेशन है उसमें भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी और सनराइज विद्यापीठ कहीं ना कहीं विद्या के क्षेत्र में तालबेट में एक मील का पत्थर साबित होगा। फिलहाल यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नई शख्सियत के साथ। अपना बेहतरी से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।